ਕਰੇਗਾ ਵਾਜੀ ਵਾ ਕਲਰ ਕੀ ਐਡ ਆਨ ਔਰ ਦੇ ਦੀ ਬਈ ਡੋਨ ਕਾ ਜਾਦੂ ਚਲ ਗਿਆ ਕੋਰੋਡਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕ ਯਹਾਂ ਸੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਤੇ ਹੈ ਘਰ ਪੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਪੇ ਵੀ ऊपर देखो धूप हो रखी है, इस साइड देखो अभी बारिश हो रही थी और इस साइड से पीछे स्नो आ रही है। तो भाई हमने 4:15 बजे लगभग उबर स्टार्ट करी और देखो रेन एंड स्नो दोनों लिखा आ रहा है ना। क्या आ गया पहला ऑर्डर आ गया $9 का। ये उबर पागल वागल हो गई क्या, $6 का एड ऑन दे रही है 27 किलोमीटर का। पागल थोड़ी ना हूँ मैं। ये जो बर्फ है ना इसको देख के झांसे में मत आ जाना, पत्थर है पत्थर ही। अभी बम्पर तोड़ लेता मैं कार का। सही में जंगलों में ही करने में मजा आता है उबर एड्स, पता है क्या घुमाई की घुमाई हो जाती है बंदे की और साथ में बढ़िया ना इधर उधर वादियों में घूमता रहता है बंदा। ये सिटी मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत यादें हैं रे यहाँ पे। तो अभी $14 का ऑर्डर उठाने आए हैं अपने चिकन पैलेस में, डोमिनोज के साथ ही है। लेट्स गो। और एक $10 का ऑर्डर और आ गया, देख रहे हो यहाँ के तो रेस्टोरेंट्स भी कितने सुंदर बन रखे हैं यार। तो अभी तीसरी डिलीवरी अपनी खत्म हो गई, 15 मिनट भी नहीं लगे और $10 और बन गए। बादल तो भाई खतरनाक होते जा रहे हैं सामने देखो। ऑर्डर तो आ नहीं रहे हैं, मैनेजर साहब कैसे हो? राजा भाई ऑर्डर देखना ट्रिपरेडार में आया है एक टैको बेल का, वो सामने जो टैको बेल है ना रोड के उस साइड उधर जाना है। नहीं था पेट्रोल पंप से $10 का एड ऑन आ गया 5 किलोमीटर का, थैंक गॉड। नाउ आई एम फीलिंग बेटर, क्योंकि एड ऑन वाले गेम से ही बंदा ना बढ़िया पैसे कमा के घर जाता है। पहली पेड शिफ्ट पे जब मैं आया था ना तब इस बस स्टॉप पे आके उतरा था और वो सामने गैस स्टेशन पे जहाँ पे अभी जाके आया वहाँ पे शिफ्ट लगाने गया था। सो जब कनाडा नया नया आया था ना मेरी बहुत मेमोरीज इस एरिया से रिलेटेड। लो अभी सनसेट होने वाला है, सेकंड ऑर्डर तो खत्म ही नहीं किया, एक और एड ऑन आ गया सो इसे उठाया जाए। 8 किलोमीटर का ये $7 का। ये जो ऑर्डर है उठाना है मैकडोनल्ड से और मैकडोनल्ड्स जो है वो है वॉलमार्ट के अंदर। मौसम आप पीछे देख ही सकते हो, तो चलते हैं जल्दी से अंदर और लेके आते हैं। यहाँ पे और कुछ तो पता नहीं, इनके सिनेप्लेक्स बड़े सुंदर होते हैं यार। और ये देखो कितने बड़े बड़े बुलडोजर और खड़े हैं। एक ऑर्डर और आ गया 4 किलोमीटर का ही है, उठा लेना चाहिए। तो भाई ये चीज आपने कभी नहीं देखी होगी, सिनेमा आके लोग मूवीज देखते हैं ताकि हम यहाँ की फील ले सकें, पर लोग यहाँ से भी खाना मंगवाते हैं घर पे ताकि घर पे फील ले सके सिनेमा की। तो भाई अपना अगला ऑर्डर यहीं से आया, $14-15 का है, लंबा थोड़ा 20-22 किलोमीटर का, जल्दी से उठा के लाते हैं। तो जी बाय बाय सिनेमा, ऑर्डर ले लिया। भाई कल का अपडेट तो बड़ा खराब है, 9 घंटे उबर करी और $128 ही बने, फ्यूल बहुत महंगा हो रहा है और ये खाते भी बहुत है। जो भी पुरानी सेकंड हैंड कारों में डिलीवरियां कर रहे हैं ना ये वाली कोच साथ में लेके जरूर चलना। तो जी टाइम हो रहा है 11:30, उबर करते हैं ऑन और G63 जा रही है अपने सामने। तो भी टिम हॉर्टन से अभी कॉफी पकड़ी है क्योंकि ऑर्डर आ नहीं रहा, ये पहला ऑर्डर हमेशा रुला के देते हैं। बस मुझ में यही एक कमी है, मेरे से बैठा नहीं जाएगा टिक के ऑर्डर आने तक, मैं गाड़ी घुमाने लग जाता हूँ और इसलिए मेरी गाड़ी चल बहुत जाती है। लो अभी फाइनली पहला ऑर्डर आ गया, किलोमीटर कम है पैसे ज्यादा है तो अपने उठाएंगे। सामने अभी पुलिस वाला जा रहे हैं। लो जी ऑर्डर ले आए, चलते हैं अब जल्दी से। भाई इतने सुंदर सुंदर घर आए थे ना लोगों के, दिमाग ही खराब हो जाता है देख के। स्काई देखो कितना सुंदर लग रहा है। और मैं आ गया कल अपने वही तनिष भाई वाले स्टोर पे, मैंने कहा कार वॉश ले लूं जल्दी से। ओहो कार वॉश लेते लेते ऑर्डर भी आ गया, बिल्कुल पास का ही 250 मीटर से ही उठाना है, तो लेट्स गो। पर लेट्स गो क्या, एक बार ये खत्म हो जल्दी से। $7.50 का है, मतलब 7.50 और 6.5 अपने लगभग $14 बन जाएंगे। घंटे की एवरेज अभी सही नहीं आ रही। ओहो हो ये मस्त चीज है यहाँ की, ड्रायर देखो कितने बड़े लगे होते हैं, सारा पानी सुखा देंगे गाड़ी। कार तो चमक गई पूरी यार, कैनेडा में पूरा साल ऐसा वेदर रहे यार सच में मजा आ जाए, तभी लोग कहते हैं कि बस समर्स में रहने का मन करता है यहाँ पे। लो जी $15 का ऑर्डर है, देखते हैं अगर किस्मत रही तो मैच हो जाएगा। किलोमीटर नहीं हो गए क्या बात है। लो अभी शेड्स लगाने का भी मौका मिल गया, धूप बहुत ज्यादा तीखी हो चुकी है, एटमॉस्फेयर में प्रोटेक्शन कम होती है रेडिएशन से, सो इसलिए बोलते हैं जब भी धूप तेज हो एक तो सनस्क्रीन लगा के निकलो और दूसरा शेड्स पक्का पहननी होनी चाहिए। लो जी 19 किलोमीटर रह गया, 12 मिनट में पहुंच जाएंगे, गाड़ी जा रही है शोकती। हाँ जी आ गया वापस से,
स्टोर पे नहीं गए आज आप? तो चार दिन से तीन दिन वेला ही हो। $500 वाली वीडियो चल रही है ना। सही है चलो बनाओ जाके। मैंने कॉफी वगैरह पूछी, मैंने कहा पीनी है तो पास में ही था, तो अभी कॉफी ब्रेक लिया है। लो भाई 0.5 किलोमीटर का ऑर्डर आया, उठा लेते हैं, है $3 का। गाड़ी क्या चमक रही है यार। मैं लिटरली 2 मिनट में ऑर्डर करके ना वापस भी आ गया गैस स्टेशन पे। 500 मीटर ही तो सामने से उठाया था AW से। भाई एक अभी इन्होंने $14 की डिलीवरी दी, एक $12 की एड ऑन और दे दी। भाई सही वैसे बन जाएंगे लग रहा है। लो भी पीछे ग्रोसरी रख ली है हमने और $30 बन जाएंगे आधे घंटे में। सोचो कितने का ऑर्डर आया, $9 का ऑर्डर आया मेरे पास 14 किलोमीटर का। मैंने उठा लिया, मैंने कहा चलो देखते हैं एड ऑन आ जाएगा, और हुआ क्या, आ गया। $13.50 का एड ऑन आया और लगभग टोटल अब दोनों ऑर्डर मिला के 22-23 किलोमीटर जाना है और अपने लगभग $23 ही बन जाएंगे साथ में। भाई घर नहीं महल था, महल। ऐसी जगह अंदर जाती है ना, मेरे तो सांस फूल जाती है, अंदर ही ना रख ले। भाई ये ऑर्डर सारे आज रईसों के ही आ रहे हैं क्या मेरे पास। भाई लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इनके खुद की पर्सनल लेक्स हैं यहाँ पे हैं। अब इनके लेक हाउस से निकला ही हूँ और 18 किलोमीटर $15 का ऑर्डर आ गया, उठा लेना चाहिए। तो अब ये $5 से ना पेट नहीं भर रहा, 15 मिलियन चाहिए। जाके लॉटरी खरीदता हूँ, कोई 50-60 मिलियन की निकलेगी तब भी मेरे को लग रहा है ऐसा घर घर ही आएगा। लाइफ स्टाइल ऐसा और मेंटेन रखने के लिए तो 100 मिलियन और चाहिए होंगे। यार कितनी सही मस्त रोड लग रही है, सनसेट होने वाला है ना। फाइनली अपने $100 भी हो गए, ये अभी टिप ऐड नहीं हुई, लगभग $110 के अराउंड हो गए। 911 देख लो क्या खतरनाक लग रही है यार। भाई ये क्या हो रखा है, ये क्या है, टायर कहाँ है इस गाड़ी का। लो भी आज का पहला ऑर्डर आ गया, उठा लेते हैं। टाइम हो रहा है 6:15, तो 6:15 बजे स्टार्ट किया हमने। अभी पहला ऑर्डर जो $10 का उठाया वो उठाने जा रहा हूँ। सम आज भाई बारिश आ रही है मस्त वाली। मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा कुछ डिफरेंस है, बाल कटवा दिया मैंने। बहुत टाइम से मैं कैप पहन रहा हूँ क्योंकि बाल ना बहुत ज्यादा मैसी हो रहे थे, तो बड़े हो रहे थे। अब भाई गर्मी आ रही है, थोड़ी सिर को हवा लगवाते हैं। इतना मस्त एड ऑन आ गया $5 का, सिर्फ 0.4 किलोमीटर बढ़ रहे हैं, तो लेट्स गो। तो आज फिर से नया दिन स्टार्ट कर रहे हैं। कल भी कुछ खास बना नहीं, घर चला गया था मैं, तो $33 बने थे 4 घंटे में। सो आज अभी अपनों ने वापस स्टार्ट करी है, टाइम हो रहा है 4:45 और $3 का मैकडोनल्ड्स का ऑर्डर आया, एड ऑन और आ गया 3 किलोमीटर $5 का। ओ भाई मैकलैरन देखो यार खतरनाक। ओ भाई एक और ऑर्डर आ गया, एड ऑन का जादू चल गया। एड ऑन देखो मस्त आया मस्त। सो भाई हमने स्टार्ट किया है लगभग 2 बजे के अराउंड, और छोटे छोटे ऑर्डर्स आ रहे हैं $3-4 के, पर किलोमीटर भी सेम से ही है। भाई बिल्कुल घोस्ट टाउन लग रहा है, देखना मिसिसागा के हालात, वो देखो सामने आपको स्काईलाइन दिख रही होगी मिसिसागा के साथ। तरीके के ऑर्डर्स ही आए जा रहे हैं। अब मेरा दिमाग यार कोई दो यार $15-20 का ऑर्डर, ऐसे थोड़ी ना होगा। मैंने कहा क्विक अपडेट तो बनता है, ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है, 8 बज चुके हैं और सिर्फ $63 बने हैं। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं वहाँ पे, नए हो जाएंगे $100 इससे पूरे, वैसे 106 करने हैं क्योंकि $9 का ऑर्डर किया, फिर $12 का मैंने अभी उठाया था, और ये 10 का एड ऑन आ गया 3 किलोमीटर का। वाजी वाह, ये पूरे मजे ले रहे हैं। अब अपना $6 का ऑर्डर बच रहा है, 500 होने में 3 का दिया है, एक और करना पड़ेगा। कोई ना, वी आर ऑलमोस्ट देयर। सो ये ऑर्डर मैंने उठा लिया और इससे अपना चैलेंज आज एंड हो जाएगा। तो ये झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत एग्जॉस्टिंग था ये चैलेंज, और आपको समरी बताता हूँ। मैंने फोन में नोट डाउन कर ली सारी, हर दिन के पैसे मैंने आपको बता दिए थे, तो टोटल मैंने 80 ऑर्डर्स करे हैं जिससे कि मेरी इनकम हुई है $516। तो अगर अपने एवरेज की बात करें तो लगभग $6.5 मिले हैं हमें पर ऑर्डर, एक ऑर्डर के ऊपर, और लगभग हमने 30 घंटे काम किए है। अब 30 घंटे के हिसाब से हम अगर बात करें तो मिनिमम वेज के हिसाब से अपनों ने ठीक ठाक पैसे बना लिए, बट अगर आप फ्यूल का एक्सपेंस जोड़ोगे साथ में, जो कि मैंने अभी कैलकुलेशन करी है $125 के
अराउंड लग गया है, तो उससे जो पर आवर अपनी जो इनकम निकल के आ रही है ना वो $13 के अराउंड ही आ रही है। सो भाई मिनिमम वेज $16.5 है। अब आप खुद ही सोच के देख लो कितना फायदा है ये काम करने का। नो डाउट जिसके पास कोई काम नहीं है, जिन्हें काम नहीं मिल रहा, उनके लिए ये काम थोड़ा बहुत सहारा बन सकता है, बट ये चीज मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि इसे आप फुल टाइम काम की तरह नहीं ले सकते। और कुछ अपने जैसे पीक आवर्स में काम नहीं कर रहे थे, अंधा कभी भी काम कर रहे थे, और ज्यादातर मैंने अभी ठंडे आवर्स में काम किया था, तो मेरे दिमाग में अब पता नेक्स्ट चीज क्या आ रही है। कोई चैलेंज जब तक कंप्लीट नहीं होता ना तो बड़ा जोर आ रहा होता है, बट होने के बाद अब बड़ी खुशी सी हो रही है। नेक्स्ट अपने टारगेट लेते हैं $1,000 का, या फिर मेरे दिमाग में चल रहा है कि एरिया वाइज, अब टोरंटो के अंदर बहुत सारे एरियाज है, टोरंटो हो गया, जैसे मैं अरोरा जा रहा हूँ वहां हो गया, हैमिल्टन साइड अलग एरिया है, स्कारब्रो अलग है, तो अपने एरिया वाइज भी करके देख सकते हैं। और देखो टाइम लगेगा इन वीडियोस में, और भी काम होते हैं मेरे को करने वाले, ये सिर्फ एक साइड हसल है जो कि फ्री टाइम में अपने कर लेते हैं। सो अगर आपको ऐसी कोई आगे वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना। और भाई जिनके पास भी बाइसिकल है या फिर नया अकाउंट साइन अप करना है, उन्होंने नहीं किया उबर में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा रेफरल, आगे आप भी अपना ऐसी रेफरल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। सो ये लास्ट क्लिप डाल के अब जल्दी से मैं वीडियो चिपकाता हूँ, अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।